नमस्कार दोस्तों, हर साल कई ऐसी खगोलीय घटना घटित होती हैं जिनकी वजह से कभी दिन छोटे और रात लंबी हो जाती है, तो वहीं कभी रात छोटी और दिन लंबा हो जाता है। लेकिन ऐसा कब और क्यों होता है, ये जानने के लिए अंत तक जरूर देखें ये वीडियो। आपको बता दें कि 22 दिसंबर का दिन साल का सबसे छोटा दिन होगा। इसी के साथ बता दें कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि एक समान हो जाती हैं। यानी इन दो दिन रात और दिन एक बराबर हो जाते हैं। तो वहीं साल के दो दिन ऐसे भी होते हैं जिन्हें साल के सबसे बड़े और सबसे छोटे दिनों की श्रेणी में रखा जाता है। साल 2019 में 21 जून वो दिन था जिसे साल का सबसे बड़ा दिन माना गया। इस दिन सूर्य काफी देर तक पृथ्वी पर अपनी किरणों से प्रकाश फैलाता है। तो अब बात करते हैं साल के सबसे छोटे दिन की। जिस तरह 21 जून को साल का बड़ा दिन मनाया गया, उसी तरह आने वाला 22 दिसंबर का दिन साल का सबसे छोटे दिन के तौर पर देखा जाएगा। इस दिन सूर्य पृथ्वी पर बेहद कम समय के लिए हाजिरी लगाता है, तो वहीं रात में चंद्रमा अपनी शीतल किरणों का प्रसार पृथ्वी पर ज्यादा समय तक के लिए करता है। आपको बता दें कि 22 दिसंबर की इस खगोलीय घटना को विंटर सोल्स्टिस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब बताते हैं कि क्यों होता है सबसे छोटा दिन। ऐसा देखा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य की दूरी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से अधिक हो जाती है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कम समय तक ही रह पाती हैं। कहा जाता है कि 22 दिसंबर के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। साल के सबसे छोटे दिन 22 दिसंबर के दिन सूर्य देवता मकर रेखा के लंबवत होते हैं तथा कर्क रेखा को तिरछा स्पर्श करते हैं, जिसके कारण इस दिन सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है और चंद्रमा जल्दी आ जाता है। अब क्योंकि सूर्य पृथ्वी के बेहद पास है, इसलिए इसकी उपस्थिति महज 8 घंटों ही रहती है और रात 16 घंटों की होती है। वैसे ये नियमित होने वाली खगोलीय घटना ही है जो निश्चित समय पर अपने आप ही घटित हो जाती है। इस दिन के बाद से ही ठंड का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। 22 दिसंबर के अगले दिन से ही दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और रात छोटी होने लग जाती है। हर साल सर्द ऋतु में होने वाली ये खगोलीय घटना किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी से।